वहीं राजधानी लखनऊ में बढ़ते डेंगू और संचारी रोग के प्रकोप को देखते हुए उसकी रोकथाम हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने उप मुख्यमंत्री व चिकित्सा शिक्षा मंत्री बृजेश पाठक ने लखनऊ के जिले के सभी अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। वहीं बैठक में लखनऊ के जिला अधिकारी कार्यालय के APJ अब्दुल कलाम सभागार में आयोजित हुई। इस बैठक में लखनऊ जिला अधिकारी सूर्यपाल गंगवार, मनोज अग्रवाल, CMO लखनऊ इंद्रजीत सिंह, नगर आयुक्त लखनऊ तमाम अधिकारी मौजूद रहे। वहीं उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने NB न्यूज से खास बातचीत की है और क्या कुछ कहा है आइए सुनाते हैं। डिप्टी CM बृजेश पाठक जी ने बैठक करी है सर, किस तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं? सर, 110 वार्डों में कल हम लोग फागिंग और एंटी लार्वा दवाइयों का छिड़काव करेंगे और 4 मोबाइल वैंस हैं जो मोहल्लों में जाकर के लोगों को निःशुल्क दवाइयों का वितरण करेंगी। हर स्थिति में डेंगू को हम लोग कंट्रोल कर लिए हैं और डेंगू को पूरी तरह से समाप्त करेंगे। अच्छा, बैठक में क्या बताया सर, अभी तक कितने मरीज कम हुए? कल से आज मरीज कम हुए हैं, दिन प्रतिदिन मरीजों की संख्या में घटोत्तरी हो रही है, लेकिन फिर भी एंटी लार्वा का छिड़काव और तेजी के साथ करने के लिए हम लोग मुहिम कल से चलाएंगे। दिशा निर्देश दिया कि आप मोबाइल वैन भी लोगों तक पहुंचेगी और उनको दवाई देने का, मोबाइल वैन लखनऊ में घर घर जाकर लोगों को दवाइयों का वितरण करेंगे। धन्यवाद, ये थे हमारे साथ डिप्टी CM बृजेश पाठक जी, ने साफ तौर पे कहा कि हमने एक बड़ी योजना बनाई है और कहीं ना कहीं डेंगू से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है और लगातार डेंगू के जो केसेस हैं लखनऊ में जो बढ़े थे वो दिन पे दिन घटती आ रही है। एंटी लार्वा से लेकर फॉगिंग तक तमाम तरह की व्यवस्था और मोबाइल वैन जो कि लोगों तक मेडिसिन बांटने का भी काम करेगी। कैमरा पर्सन सौरभ, मैं जितेंद्र सिंह, AMD न्यूज़ लखनऊ।